हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एएसआई की जो सेकंड लिस्ट है वो आउट हो चुकी है और उसके लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितना डिक्रीज हुई है और किन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में हुआ है वो कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ जो है कितनी कम हुई है और जो DVPST के लिए फर्स्ट फेज़ के अंदर कैंडिडेट बुलाए गए थे उसके अंदर कितने कैंडिडेट जो हैं पास हुए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए कि आप एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी नौकरी से रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि पहले हम देखते हैं जो पहले कट ऑफ थी वो कट ऑफ क्या थी। पहले आप कट ऑफ देख सकते हैं UR के लिए 313 और OBC के लिए 301 और EWS के लिए 302, SC के लिए 277 और ST के लिए 235। ये आपकी जो थी ये आप देख सकते हैं गोपनीयता सातकर्ता सहायक परिरीक्षक की थी। और इसके बाद एक कट ऑफ और आई थी वो थी उप निरीक्षक लेखा की, उसकी UR की 303 थी और OBC की आपकी 285 और ऐसे ही SC की आपकी 260 और ST की आपकी 214। तो अब इन्होंने कट ऑफ को कितना डिक्रीज़ किया है और जो नोटिस आया है वो क्या आया है मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ। ये देखिए आप नोटिस देख सकते हैं और ये 29/4 को नोटिस आया है यानी कि कल की डेट में। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया तो आज आपको इसमें बता देता हूँ। इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ये जो आपकी भर्ती है उसका नाम लिखा हुआ है 4/12/5/12 को आपकी आयोजित हुई थी परीक्षा जिसके बारे में लिखा हुआ है और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा 4 पालियों में हुई थी जिसके नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार अंकों में यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी दिया गया है या आपका एग्ज़ाम कैसे कैसे लिया गया है ये सब बताया गया। तीसरा पॉइंट हमारे लिए मेन है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद नियमावली के अनुसार जो नॉर्मलाइजेशन किया गया था उसके लिए इन्होंने 4,563 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था DVPST के लिए। उसके बाद अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के सफल ना होने के कारण श्रेष्ठता और एवं आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः 4,287 कैंडिडेट को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किया गया। यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, 4,887 कैंडिडेट को जो है दोबारा बुलाया गया है, 4,802 कैंडिडेट। और इसके अंदर कट ऑफ अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि पहले गोपनीयता सातकर्ता की जो कट ऑफ है वो 311 या 14 के करीब गई थी वो अब 304 हो गई है और OBC की जो कट ऑफ 285 थी वो घट गई है या सेम भी हो सकती है और अनुसूचित जाति की 277 थी वो 258 हो गई है। यानी कि आप देख सकते हैं 277 से 258 यानी कि आप देख सकते हैं सीधा 19 नंबर का इसमें 18-19 नंबर का डिफरेंस आया है और जो अनुसूचित जाति की है ST की वो और भी कम हो गई है यानी कि जो 200 के करीब थी वो 182 हो गई है। और दूसरी कट ऑफ हम देख लेते हैं इसके अंदर दूसरी कट ऑफ भी डिक्रीज हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियो का जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से
हो सकता है कि यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी चल रहा है उसके अंदर भी जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी आ जाए और आप जो कैंडिडेट लाइन पर हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आप आज अभी तक ना छोड़ें, अपना फिजिकल करते रहें, निरंतर करते रहें, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे 300 कैंडिडेट का बैच है तो लगभग 30 से 40 कैंडिडेट हर बैच में फेल हो ही रहे हैं और कुछ अनुपस्थित हैं, कुछ फेल हैं कि उनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। तो इस वजह से आप अभी तक अपने आश ना छोड़ें। ये यूपीएसआई के बारे में था। जैसे ही यूपीएसआई के बारे में आप मुझे कोई अपडेट मिलेगी, ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।